दोस्तों, पूरी दुनिया में टोटल 2500 से भी ज़्यादा सांपों की प्रजाति पाए जाते हैं। इनमें सिर्फ 500 ही वेनमस यानी जहरीला हैं। मैं आज आपको ऐसी 10 सांपों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि जहरीला है, मतलब कि खतरनाक, जिनसे आपको हमेशा ही सतर्क रहना जरूरी है। यानी कि हमेशा 2 गज की दूरी और सतर्क रहना है जरूरी, ये बात ध्यान रखना। तो आइए बिना देरी के काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, ताइपान। ताइपान एक ऐसी प्रजाति है जिसकी जहर की एक बूंद 1200 पीक जान ले सकता है। ये सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये सांप लगभग 8 फीट तक लंबा होते हैं। ये सांप जमीन में रहते हैं। ये सांप एक बाइट में 100 लोगों की जान ले सकता है और लगभग 2.5 लाख चूहा मार सकता है। और हाँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी हैं तो ये इन सांप से ज़रा बच के रहिएगा, वरना बहुत दिक्कत आ सकता है। दोस्तों, नंबर 9 पर है ब्लैक मेम्बा। ये सांप अफ्रीका में पाया जाता है। ये सांप अपने शिकार को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा कर सकता है। ये सांप खतरा महसूस होने पर 10 बार तक अपनी जहर छोड़ सकता है। इसका जहर में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है जो कि बहुत खतरनाक माना जाता है। दोस्तों, नंबर 8 पर है टाइगर स्नेक। ये सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके जहर में न्यूरोटॉक्सिक पाए जाते हैं जो कि बहुत खतरनाक माना जाता है, तो ज़रा आप इनसे बच के रहिएगा। दोस्तों, नंबर 7 पर आता है फिलीपाइन कबरा। ये सांप फिलीपाइन में पाए जाते हैं। ये सांप अपने शिकार पर 3 मीटर की दूरी से जहर छोड़ सकता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम की जहर पाए जाते हैं। तो नंबर 6 पर आता है सॉस कडल वाइपर। ये सांप इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सॉस कडल वाइपर ज़्यादातर बारिश के मौसम में घर से बाहर निकलते हैं। ये सांप जिस जगह काटते हैं वहाँ तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है और इंसान की मौत हो जाता है। दोस्तों, नंबर 5 पर है डेथ अडर। ये सांप न्यू गुनिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है और ये सांप दूसरे सांप को भी खा जाते हैं। नंबर 4 पर है रेटल स्नेक। ये सांप उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इस सांप की पूंछ पर छल्ले होने के कारण इसकी पूंछ हिलते वक्त झुंझुना की तरह आवाज़ निकलता है, इसलिए ये आसानी से पहचान में आ जाता है। इस सांप में हेमोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है। नंबर 3 पर है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ये सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये सांप इतना जहरीला होता है कि इसका छोटा सा बच्चा भी किसी को काट ले तो उसकी जान जा सकता है। ये सांप ऑस्ट्रेलिया में सांपों के काटने की वजह से होने वाले मौत के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। इंसान में इसका जहर महज सिर्फ 5 मिनट में फैल जाता है और लगभग इंसान की मौत ही हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2 पर है इनलैंड ताइपान। ये सांप जमीन पर पाए जाने वाले सांपों में सबसे ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन ये सांप आज तक किसी भी इंसान को काटा नहीं है, इसीलिए इसे संत सांप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नंबर 1 पर है बेल्चर्स सी स्नेक। ये सांप साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये सांप संसार में सबसे जहरीला है। इस सांप की जहर की कुछ मिलीग्राम जहर भी 1000 लोगों की मौत की कारण बन सकता है। हालांकि ये सांप समुंदर में पाए जाते हैं, इसलिए इससे होने वाले मौत सिर्फ मछुआरों की ही है। दोस्तों, आप कहाँ भाग रहे हैं? अगर आपको आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।